अच्छा, अब ये बताइए कि अब आम जो हमारे मुसलमान भाई रहते हैं ना, वो जैसे अलग अलग इलाकों में, तो उनको किस अंदाज़ से आप बताना चाहेंगे, तो मैसेज क्या देना, क्योंकि आप लोग भी नौजवान लोग हैं, तो किस तरीक़े से मैसेज देंगे? हम लोग तो ये बोल रहे हैं भाई, आप लोगों को कौन हक दिया, किसके ऊपर आप लोग ये शैतान ये पागल हुए जो आप लोग बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं भाई आप लोग? आप पहले ये बात बोलिए, आपकी 3 दिन से नमाज कज़ा हुई, 3 दिन से आप नमाज टाइम पे पढ़े, एक भी नमाज पढ़े आप 3 दिन से? जो भी देख रहे वीडियो आप ये पहले ये बोलिए, 3 दिन से नमाज हुई आपकी? नहीं हुई नमाज, तो आपको ऐसा कौन सा हक दिया आप उनको ये गाली माली देना, गाली गलौज और करना, गाली आगे देना पर कौन से इस्लाम मारना? में लिखा हुआ है? गाली देना कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये भाई ये जो बोल रहे हैं उनको गाली दो बोल के? गाली दो बोल के कहाँ लिखा हुआ है? कोई भी इस्लाम में लिखा हुआ है? इस्लाम का मतलब क्या है ईमान? इस्लाम का मतलब क्या है? पीसफुल। पीसफुल आप लोग कर रहे हैं कुछ भी काम, आप लोग गाली दे रहे हैं, पूरा उल्टा काफिर कामा कर रहे हैं, आप कुफर के कामा कर रहे हैं आप लोग, पूरे गालियाँ देना, आप लोग पूरे झड़कना, पूरे सब बातें करना, ऊंच चीज की बातें करना, उल्टी सीधी का बातें नहीं, करना, बिना तहकी बिना बातचीत तहकी के, बिना बिना कुछ के बाद भी, सब आप लोग पूरे कुफराने काम कर रहे हैं। आप लोग कोई भी ईमान का काम नहीं कर रहे, आप लोग उधर कुफराना काम करके इधर आके फिर इधर हमला करने इधर के, आप आके फिर लोगों की आप क्या लोग ये ईसा बात मसीह है? को, ईसा मसीह को कुछ नहीं कुछ नहीं, आप लोग किसको गाली दे रहे? अगर मेरे को आप गाली दिए तो मैं आपको माफ भी कर दूंगा। आप तो दे रहे अल्लाह के रसूल की, जो अल्लाह ताला उसको खास बनाया, अल्लाह के रसूल को गाली दे रहे आप लोग? आप लोग की जरूरत है, आप लोग अपने आप को बड़ा समझ ले रहे हैं, आप लोग अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा बड़े समझ ले रहे हैं। इसका मतलब आप लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा कर दे रहे हैं। आप लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बोले थे ना आप लोगों के ईमान लाओ बोल के, आने वाले रसूल ऐसे होंगे, सवाल ऐसी रहेंगी, उन पर ईमान लाना लाजिम है, उन पर ईमान लाना लाजिम है, अगर उन पर ईमान नहीं लाओगे तो जहन्नुम में जाओगे, ये तक कहा है ना इस हदीसों में। तो आप लोग लाइए ईमान, आप लोग ऐसा बोले तो कैसे होएगा उनके ऊपर बेहक? आप उनके ऊपर कुछ भी जानते ना आप उनके बारे में, उन्होंने है क्या, उन्होंने कौन है, उन्होंने पागल है, उन्होंने सही है, कुछ भी आप लोग नहीं जानते। आप लोग नहीं जान के ऐसा अगर गाली दिए, गाली गलौज दिए, आप लोग तो इस्लाम के बाहर जा रहे हैं, आप लोग तो बहुत बाहर चले गए आप लोग इस्लाम के। आपको हक किसने दिया आप गाली देने का? आप है कौन गाली देने वाले? आप किसको दे रहे हो भी? अल्लाह के रसूल को? अल्लाह के रसूल, अगर अल्लाह के रसूल को गाली दे रहे आप, अल्लाह को गाली दे रहे हो, उसका इतना बराबर हो गया हो? आपके मुताबिक वो सब नबियों की तस्दीक के लिए आए हैं और ऐसे बिल्कुल शख्सियत सब नबियों नबियों की तस्दीक के लिए लिए आए आए हुए वो बिल्कुल वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या मेरे को बाज हदीस में ऐसा है, मुझे नाम तो नहीं मालूम, मुझे पैगंबर का पैगंबर तक बोले थे, अगर काश हम अल्लाह महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हम अगर जिंदा रहते तो हम भी ये गजवा हिंद करते, ये तक कहा गया। तो आप देखिए, आप जब वैसे बड़े बड़े पैगंबर जब ये बात बोल रहे, तो आप लोग क्यों नहीं सोच रहे, आप लोग समझ रहे क्यों नहीं ये बात है? तो मतलब जो गाली गलौज कर रहे हैं वो उनके खिलाफ हैं आप लोग? जी हम लोग खिलाफ है, नहीं खिलाफ गाली है। नहीं, मगर इमीडिएट लड़ने के लिए जो आ रहे हैं वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो सोचना चाहिए, आगे सोचना चाहिए। अरे भाई इन्हों क्यों बोल रहे हैं आप? इतना अक्ल नहीं है इंसान को? आप लोग खाना खाते या भूसा खाते? आप लोग खाना ही खाते ना? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, उन्हें किस लिए बोल रहा, क्या बोल रहा, क्या कहीं को बोल रहा इंसान? अगर आप लोगों की लैंग्वेज से बोल रहा हूँ मैं, अगर अगर ये बात करूंगा तो मैं इतना एहतराम से बात करूंगा। आप लोग तो ऐसे ऐसे काफिर, आप लोग कुफुर के बात करते हैं आप लोग, कि आप लोग हर जगह हर चीज में आप उन्हों, अगर यहाँ रास्ते से गुजर रहे, मैं अलबत्ता मैं इतना तक देखा जब मैं ईमान में आया हुआ था, जब मैं ये देखा रास्ते से गुजर रहे तो लोग कह रहे थे पागल है। अरे पागल है तो पागल ही कहते हैं, अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी को पागल ही कहा गया? पागल आप लोग की, पागल बोल रहे हैं आप, लॉजिक की बात है, पागल है। अगर पागल किसी की बात, अगर पागल अगर होता, पागल अगर होता तो किसी अच्छे इंसान से अगर बात नहीं कर सकता था, वो पागल पागलपन पे उतर जाते थे। हाँ आप लोग पागल का मतलब क्या है? पागल के आप सामने खड़े रह सकते, नहीं खड़े रह सकते? जब आप लोग के सामने खड़े रहते, जब उनके बातें सुनते, तो आप लोग खुद बोलते, अरे कौन बोलता है इनको पागल है बोलिए? आप लोग खुद बोलते हैं ये बात, मतलब ये झूठा दावा कर रहे हैं बोल के लोग खिलाफ आ रहे हैं ना भाई? लोग खिलाफ तो आ रहे हैं, झूठा दावा क्या कर रहे हैं, वो सच सच दावा तो कर रहे हैं। मतलब जो हदीस में आया वो सब फी वो पूरे सच हुए, वो पूरे सच जो हदीस में उनके आया ऊपर हुए हैं, वो निशाना पूरे पूरे उनके ऊपर निशाना हुए। तो मतलब कोई डाउट नहीं है उसमें? आसमानी सब किताबों, आसमानी सब किताबें बोलते तो अरे जुबूर इंजील कुरान, ये चारों किताब आसमानी किताब है। आसमानी किताबों में पूरा लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल आएंगे और एक रसूल, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएंगे, नबूवत खत्म होने के बाद एक और रसूल आएंगे,
जो तुम्हारे को सही रास्ता बताइए, तुम लोग अगर आओगे तो जन्नत पाओगे, नहीं आओगे तो जहन्नुम में जाओगे। नहीं रसूल पे आएंगे बोल के नहीं, मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम को, मेहदी अलैहिस्सलाम मतलब क्या है? अल्लाह ताला भेज रहा है, भेजने का मतलब क्या है? रसूल। अच्छा तो रसूल के माने हो गए, मतलब लफ्जी माने रसूल बोल रहे हैं नबी नहीं है। कहीं पर ये नहीं कहा गया, कहीं कुरान में ये नहीं कहा गया कि ये मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ये ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे बल्कि ये नहीं कहा गया, अल्लाह के रसूल आएंगे बल्कि कहा गया। अच्छा वो तो कहा गया, वो आया था अपने जो बंगलो पेश कर रहे हैं वही है जी। यानी मतलब हदीस में मेहदी आएंगे बोल के है तो कुरान उसको रसूल का जिक्र कर रहा है, रसूल का जिक्र कर रही है कुरान। हाँ अच्छा आप अरबी में पढ़ के देखिए, ये नहीं लिखा हुआ है। आप अरबी जानते हैं जी, बातचीत करना भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है अरबी में। तो कुछ बात करिए थोड़ा, अपने बारे में बोलिए कुछ अरबी में, आप कहाँ से पढ़ाई की है वो बोलिए अरबी में। मैं अरबी में बोलना पड़ेगा तो सामने कोई बात करने भी होना मेरे को अरबी में, अब कोई बात करने मिला तो मैं उससे भी अच्छी बात कर सकता हूँ। आप अरबी आती है थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत आती है। तो आप अरबी में बोलिए कुछ भी, जगह क्या है, दुनिया कैसी है बोलिए। अरे आपको बात करने के लिए चाहिए तो हाफिज़ हैं आप पक्के? जी पक्का हाफिज़ हूँ मैं। आपको यकीन है ये पूरा दुबई वाले, अमेरिका वाले, सऊदी वाले सारे मुसलमान साथ हो जाएंगे, यकीन है आपको? इंशाल्लाह सब साथ हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह चाहा तो पूरी दुनिया एक हो जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे। तो काफिर अगर काफिर अगर काफिर ही रहना चाहेगा तो काफिर रहेगा, काफिर अगर अपने आप को बदलना चाहेगा तो मुसलमान बन सकता है, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है, आज के ज़माने में ऐसे हो रहे हैं। क्योंकि काफिर जो अमेरिका के लोग हैं मुशरिका, अमेरिका के काफिरा जो है वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, आज अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। बहुत ऐसे जने जो इस्लाम पे भी आ गए, बहुत ऐसे जने जो कुफर के रास्ते पे जा रहे हैं, जो हिंदू साहिबान की मदद करने के लिए हिंदू बन गए बहुत सारे लोग। तो आप हिंदुओं के दुश्मन हैं क्या? हिंदुओं के दुश्मन नहीं है हम दुश्मन किसी के दुश्मन नहीं है भाई। हम सिर्फ इतना चाहते हैं अल्लाह का कलाम पूरा हो, अल्लाह जो कह रहे थे वो पूरा हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले थे वो पूरा हो। और आप देखिए हिंदू कोई दुश्मन नहीं है, ना ईसाई कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे ये हिंदू मुस्लिम या यहूदी कोई हमारे दुश्मन नहीं है। ये लोग सिर्फ गुमराह हो गए, उन लोगों को गुमराही से हटाना है। गुमराह क्या गुमराह हो गए ये लोग नूह अलैहि सलाम के ज़माने में पढ़ना लिखना किसी को नहीं आता था, तो तस्वीरें बना के बोलते थे ये ऐसे लोग आने वाले हैं, ऐसा आने वाले है, तो वो लोग वो मूर्ति पूजा करना शुरू हो गए, बस इतना ही है फर्क। और तो मतलब आप लोग वो सब एक ही हैं, सब एक ही है, तो भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम यहूदी पूरे भाई भाई है पूरे। यहूद किससे आया? ईसा यहूद का हम ये बताइए कि आप लोग तबलीग करेंगे पब्लिक में? इंशाल्लाह अगर पीसफुल अगर रहा तो हम जरूर तबलीग करेंगे, मारने अगर आएंगे तो हम कहाँ से तबलीग कर सकते, कहाँ से तबलीग नहीं कर सकते। ठीक है तो मारने करने की बात नहीं, तबलीग अगर सपोज वो साबित नहीं हुए ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम तो क्या करेंगे आप लोग? साबित कैसा नहीं हो सकते, हमारे अलावा कई लोग माने हुए है ये बात, कई फॉलोअर्स है हमारे भी माने हुए, कई फॉलोअर्स है, अगर पूरे इकट्ठा जमा हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती हमारे, समझे ना। सिर्फ अल्लाह की ताकत है, जो अल्लाह ताला चाहेगा वही होगा। अल्लाह ताला चाहता है कि हम कुछ ही रहे और कुछ ही से ज्यादा बन जाए, हम इसलिए थोड़े थोड़े जमा कर रहे हैं। लेकिन दुनिया वाले मानना नहीं चाह रहे तो हम क्या करेंगे? अगर वो कुछ मानेंगे, अगर मानेंगे तो हम खुद बोलेंगे उनसे बड़ा किस्मत वाले कोई भी नहीं, कोई भी नहीं दुनिया में भाई। हम लोग ये चाहते चलो सब जन्नत में जाएंगे, जहन्नम का क्यों इंतजार कर रहे? ये मतलब आपके मुताबिक अब ये ईसा मसीह आगे बोले तो पूरा ये दुनिया खत्म पे है, मतलब दुनिया खत्म पे बोले तो अल्लाह ताला की दुनिया है, कब खत्म होती किसी को नहीं मालूम, मगर ये आखिरी निशानों में से है, तो इतना जल्दी हो गए बोल रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल पूरे निशाना हो गए बोल रहे हैं, पूरे निशाना हो गए। अच्छा तो पूरे लोग ईमान ला लेना, कबूल कर लेना, जरूरी है, नहीं लाए तो काफिर। अच्छा ठीक है, सलाम अलैकुम।